हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ रात की बची हुई रोटियों का, कैसे अपन यूज करें, कैसे अपन नया ब्रेकफास्ट बनाए। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। रोटी के एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात की बची हुई रोटी ली है, और ऐसे आपको रोटी यहाँ ले लेनी है। और सारी रोटियों को अपन पानी ये नल चला कर पानी से वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे गिलास से भी इन्हें वॉश कर सकते हो, क्योंकि रात की बची हुई है तो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं रहती है, सॉफ्ट सी रहती है, तो इतनी ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक ओखर मूसली लेंगे और इसमें मैंने लहसुन ऐड किया है, एक अदरक का छोटा सा बंच ऐड करेंगे, और ये देखिए दो हरी मिर्च, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है इसलिए मैं केवल दो ही ऐड कर रही हूँ, और काली मिर्च और लौंग ऐड करेंगे, और इसको इस पेस्ट को अपन क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही क्रश करूंगी, क्योंकि ये जो हल्का दरदरा ग्राइंड होगा, इसमें हल्का दरदरा पेस्ट बनेगा, तो ये टेस्ट बढ़ा देगा इस रेसिपी का। तो इसे अपन क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी साइज में मैंने टमाटर कट किए हैं, और इसमें मटर ऐड करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पर एक एक चम्मच ऐड किए हैं, और हाफ चम्मच नमक, ये अपना दूसरा मसाला तैयार हो गया है। और एक बर्तन लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे, आप सरसों सोयाबीन का तेल ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो ही ये टेस्टी बनेगी, क्योंकि रोटी थोड़ा सा पानी और ऑयल सोख लेती है, तो फिर और ज़्यादा ड्राई लगेगी, इसलिए ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है। और तेल को गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है राई और जीरा, इससे इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। राई अपन ऐड करेंगे उससे, और अब चेक कर लेते हैं अपना ये तेल गर्म हुआ है, यानी ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें राई और जीरा ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी साइज में प्याज कट कर रखे हैं, ये इसमें डालकर इन्हें पकाएंगे। तो अपने प्याज पककर तैयार हो चुके हैं, और ये जो हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया है वो अब इसमें अपन ऐड करेंगे, और इसे भी हल्का सा पकाएंगे। इसका पेस्ट पक जाएगा तब अपन इसमें गाजर ऐड करेंगे। पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इसमें अपन गाजर को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गाजर अपन ने बॉयल नहीं की है। आप कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, गोभी, आलू, ये भी, और ये इसमें ऐड करके इसे हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें। ये देखिए सारी रोटियां मैं अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ, और इनके अपन ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो ये देखिए इजी भी टूट जाएगी, और छोटे छोटे जितने अपने मुंह में बाइट आते हैं उतनी साइज की ये सारी रोटियां टूट भी जाएगी। वॉश करने से बहुत ही इजी तरीके से ये टूट जाती है, तो ऐसे करके आपको सारे रोटियां तोड़ लेनी है। और ये देखिए गाजर भी अपनी फ्राई हो चुकी है। अब अपन ने जो ये सेकेंड मसाला तैयार किया है ना, मटर का, उनका आपको जैसे मैंने बताया कि कोई बॉईल करके वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, और ऐसे ही आप मसाला भी बना सकते हो, वो सारा भी इसमें डालेंगे, तो क्या प्लेट भी अपनी वॉश हो जाएगी। और इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, और इस मसाले को अपन पका लेंगे। और ये जब अपना मसाला पक जाएगा तब अपन इसमें ऐड करेंगे अपन ये गरम मसाला और लहसुन, मिक्स करेंगे। इतना आपको थिक रखना है, क्योंकि ये जो रोटियाँ हैं वो पानी सोख लेती हैं। और मैंने मिक्स कर लिया है, ये लहसुन और ये गरम मसाला डाल लेने के बाद इसमें अपन रोटियां डालेंगे। सारी रोटियां आपको डाल लेनी है, थोड़ी देर चलाएंगे क्योंकि अपन रोटी मिक्स कर रही हैं। और थोड़ी देर चला लेने के बाद और ये मिक्स हो जाने के बाद अपन नीचे से गैस बंद कर देंगे। और ये लीजिए अपनी टेस्टी सी तड़का लगी हुई रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इससे क्या है, अपनी रात की बची हुई रोटियाँ बच भी जाती है, वेस्ट नहीं होती है, और ये जो अपन ने ये ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं वो भी खाकर मजा आ जाता है। आप सॉस वगैरह भी ऊपर से डालकर, थोड़े से ग्रीन प्याज, हरी प्याज डालकर भी खा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।